हेलो uh, मैं ज्योति मैडम हाँ कौन ज्योति मैडम मैं मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने आपको याद है मैं उसका मैनेजर जहाँ आप अपने आप, बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे यू रिमेम्बर uh, हाँ बोलिए मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम डोंट माइंड आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे uh, मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है मैडम आपको तो होश ही नहीं था या ये आ, अगर आपको याद हो आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे इधर उधर घूम रहा था यू रिमेंबर आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे आई वॉज देयर मेरी लैब पे ही बैठ हाँ। गया था थोड़ी देर के लिए यू रिमेंबर बोलिए मतलब हाँ नहीं? नहीं नहीं मैम मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका बहुत प्यारा और बहुत मासूम है यू नो ठीक है भैया है तो चलिए नहीं मैम मैं थोड़ी सी बात बता रहा था ऐसी मैं बात ही कर रहा था मेरी लैब पे बैठा हुआ था मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक कह रहा है अब इतना प्यारे यू you नो know, इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या थी घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल घर में ये माई का बड़ा चक्कर है मम्मा ने बहुत सारी चीजें मैंने मैं तो मुंह पकड़ लिया मैंने कहा पागल हो गया सब सुननेंगे ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे नहीं मैं नहीं कर रहा था वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है सारी बताया जा रहा है लेकिन आपकी तारीफे बहुत करी है मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है हाँ मेरे मैंने भी यही पूछा मैंने कहा क्यों कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के सीधी माथे पे लगी बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते जो मम्मी कहती है वही पहन लगते हैं पहनने लगते हैं मतलब हरा उनको नफरत है हरे से लेकिन नहीं जी ग्रीन डालोना तो फेक नहीं मैंने आर्यन को मत बोला ना आर्यन को आर्यन को अगर छू भी दिया ना टच भी कर दिया मैं बता तो रहा हूँ सारी चीज ये सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ पर मैं तो